नमस्ते दोस्तों, लॉर्ड कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नए साहसिक स्थल विसापुर किले की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि हमारे चैनल पर हमेशा होता है, हमने इस स्थल के रोचक तथा सुंदर दृश्यों के साथ संपूर्ण तैयारी की है ताकि आप इसे और भी बेहतर से समझ सके। चलिए हमारे साथ इस सैर पर निकले और विसापुर किले के रहस्यमय और इतिहास से मिलेगा रोंगटेदार सफर। वीडियो देखें, आनंद लें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी और भी यात्राओं से जुड़े रहें। हेलो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये विसापुर किले का स्टार्टिंग पॉइंट है। सो हम लोग यहाँ से निकले थे, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे गेट भी है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जाने के लिए रोड है। तो चलते आगे गाइस। जैसे आप लोग आगे आओगे आपको ये रास्ता दिखाई पड़ेगा। यहाँ से हमको सीधे जाना है, आगे जाके आपको एक पत्थर वाला रास्ता मिलेगा, वहाँ से आपको सीधी ढलान मिल जाएगी। सो ये रास्ता तो इजी वाला है, आगे आपको खतरनाक रास्ता देखने मिल जाएगा। चलते हैं आगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो एक गुफा है यहाँ पे बनी हुई। गुफा नहीं कह सकते, एक पानी का स्रोत है जो हम लोग आधे रास्ते में आते हैं तो लोगों को पीने के लिए यहाँ पे एक बनाया हुआ है पुरातन काल में। देख सकते हो आप, ये पानी थोड़ा गंदा हो गया है, ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है, लेकिन पहले टाइम पे लोग बीच में आके रुकते थे, यहाँ पीते थे। तो ये फर्स्ट स्टॉप पे हम लोग अभी रुके हैं। जैसे आप देख रहे हो यहाँ से आपको किले का एक नज़ारा देखने मिल जाएगा। जैसे आप ट्रैकिंग करके ऊपर आए हो आ जाओगे तो आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ये आपको दिख रहा है कि पानी है, लेकिन यहाँ पे पानी पानी का नहीं है। यहाँ पे पहले इनका धान वगैरह रखा जाता था, तो आप देख पा रहे हो। हम लोग 1 घंटे का पूरा ट्रैकिंग के बाद ऊपर आए, तो स्टार्टिंग में आपको यही सब देखने मिल जाएगा, ये पुरातन काल में बना हुआ। चलिए मैं अभी आपको के लिए कुछ अद्भुत नज़ारा दिखाता हूँ, चलिए आप देख लीजिए। यहाँ से हम लोग एक मंदिर के लिए जा रहे हैं जो किले पर बनाया हुआ है। तो मेरे दोस्त लोग आगे गए तो मैं उनको वही ढूंढते ही जा रहा हूँ। पूरा रास्ता जंगल वाला है, सो हम लोग देख के जा रहे हैं, आप देख पा रहे हो आगे। आखिरकार मुझे मेरे दोस्त लोग मिल गए। आगे चलते हैं, आगे उनके साथ सफ़र में आगे मज़ा लेते हैं। आप देख पा रहे हो ये पुरातन काल में बना हुआ उनका किले का एक मंदिर है, भव्य दिव्य। आप देख पा रहे हो क्योंकि ये पूरा तरह से गिर गया है, ये बहुत साल हो गया तो इसका संवर्धन नहीं किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। ये तो जो मंदिर नहीं जो हम लोग ढूंढ रहे वो आगे है, तो चलते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन हम लोगों को कहीं मंदिर दिखाई नहीं दे रहा है। अभी हम लोग जंगल में और अंदर जा रहे हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगने लगा है क्योंकि आगे कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है, हर जगह जंगल ही जंगल है। देखते आगे क्या होता है। देखिए अभी यहाँ से कौन से रास्ते जाने हैं हम लोग को पता नहीं चल रहा है, हम लोग वही देख रहे हैं कौन से रास्ते से आगे सही से निकलना है। आपको हमारे चीज का आवाज आता होगा, जो हम जंगल से चल रहे हैं तो एक आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम लोग
कौन सी अवस्था में चल रहा है। बड़ा ही भयानक और डरावना है। आगे बढ़ते जा रहा है लेकिन हम लोग कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा जंगल का जंगल है, हर जगह पे झाड़ी, कोई रास्ता भी अभी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। काठी मोड़ ढूंढ लेता सर, रास्ता है हाथ। देखो अभी मेरे दोस्त ने एक सेफ्टी के लिए हाथ में लकड़ा ले लिया कि आगे बढ़ रहे हम लोग को रास्ता नहीं मिला है तो वही डरे हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए हम लोग सेफ्टी भी ध्यान रखते। देखो दोस्तों रास्ता यहाँ पे एंड हो गया है। मेरा दोस्त बोल रहा है कि कुछ दिख रहा है उसको लेकिन वो जंगल खत्म हो गया है लेकिन हम लोग को मंदिर नहीं मिला। तो मेरे दोस्त पीछे चल रहा है उसके मंदिर देख लिया, हम लोग पीछे जा रहे हैं। हम देख पा रहे हैं अभी हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, मंदिर नीचे के साइड में हमको गलत साइड आ गए थे, हम लोग रिटर्न कर रहे थे। जंगल में एक रहता था से फाइनली हमको मंदिर की तरफ जाने वाला रास्ता मिल गया है। जैसे आप देख पा रहे हो शिवाजी महाराज के काल में बना हुआ तालाब है, एक छोटा सा एक बना हुआ, इसको कुंड कहते थे। तो यहाँ पे लोग पानी पीते थे। और ये रहा वो मंदिर जिसे हम ढूंढ रहे थे, इसी के चक्कर में हम लोग जंगल में भटक गए थे। चलते अभी मंदिर में दर्शन लेते हैं। देखिए देख पा रहे हो नज़ारा बहुत ही एक अविश्वसनीय है। चलते अभी हम लोग मंदिर के आगे जाके दर्शन लेते हैं। ये मंदिर पुरातन काल में बना हुआ है, पूरी तरह से एकदम अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे झंडा भी लगा हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज का। यहाँ पे नंदी है तो ये शिव मंदिर है, आप पहचान पाओगे इसको। तो चलते आगे मंदिर में जाके दर्शन लेते भगवान शिव जी के। देखिए दोस्तों अभी मंदिर के द्वार पे आ गए लेकिन दरवाज़ा बंद है, महादेव मंदिर लिखा है। तो हम लोग अंदर जाने वाले हैं, अभी दरवाज़ा खोल के जाते हैं, अंदर दर्शन करके आते हैं शिवजी भगवान के। जय महाकाल। इस मंदिर में एंट्री करोगे आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का तस्वीर दिखाई देगा, पिंड बना हुआ है भगवान शिव जी का। यहाँ पे दर्शन लेते हैं। देख पा रहे हो आप पुराना मंदिर है, पूरी तरह से एकदम ओल्ड पत्थर में बना हुआ है। देखिए दोस्तों जो कत्था का रास्ता जो मैंने जिक्र किया था पहले, वो पहले मैं दिखा नहीं पाया, आते ऊपर आते वक्त शूट नहीं कर पाया। अभी जाते वक्त आपको मैं दिखा था वो रास्ता कैसे है, एकदम भया हुआ रास्ता है वो, इसके कारण हम लोग को टाइम लग गया था चलने में।
चलिए दोस्तों, हम लोग आपसे विदा लेते हैं, इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक फैलाइए। सेल्फी काटो ना तो गंदा।